हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल छात्रों चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि आपका चैनल जब सस्पेंड हो जाता है, कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से आपका चैनल जब सस्पेंड हो जाता है, किस किस वजह से चैनल सस्पेंड हो सकता है और किस किस वजह से चैनल को सस्पेंडेड चैनल वापस ला सकते हैं, वो भी करके दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और देखते रहिए। मेरा यहाँ पे पिछले वाला चैनल जो सस्पेंड हो गया था और उसे वापस लाने का फॉर्म कैसे मैंने सबमिट किया और किस वजह से चैनल सस्पेंड हो गया, और उस टाइम पे मेरा यहाँ पे YouTube नहीं खुल रहा था और यहाँ पे एक मैसेज आ रहा था कि आपका चैनल नहीं खुल सकते, अनेबल टू एक्सेस गूगल प्रोडक्ट। इस तरह से एक विंडो खुल जाता है, विंडो ओपन होता है और यहाँ पे लिखा आ जाता है कि पॉइंट करके लिख दिया कि टर्मिनेटेड एन अकाउंट एनी टाइम ऑफ एनी रीजन विदाउट नोटिस। मतलब कोई भी बिना नोटिस के आपका चैनल डिसेबल कर सकता है YouTube। ये नया रूल्स है 2020 का। यहाँ पे ईमेल खोल कर भी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल में और एक ईमेल आ जाता है, एक मैसेज आ जाता है ईमेल में, इन्फॉर्म टू यू दैट ड्यू टू रिपीटेड और सर्विस वायलेशन ऑफ आवर कम्युनिटी गाइडलाइन। तो YouTube यही बोल रहा है कि हम लोग आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप रिपीटेड वायलेशन और सर्वर वायलेशन ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइन क्लैप किया। मतलब आप रिपीटेड सर्वर वायलेशन क्या है, मतलब आपको एक बार स्ट्राइक लग गया या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लगा, मतलब कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग लगा। पहले बार तो वार्निंग लगता है, उसके बाद अगर कोई भी वायलेशन हुआ तो डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं लगता है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं लगता है, सीधा सस्पेंड कर देता है चैनल। ये रूल्स नया आया है, आफ्टर रिव्यू वी डिटरमाइंड एक्टिविटी अकाउंट वायलेशन ऑफ द कम्युनिटी गाइडलाइन द प्रोहिबिटेड स्पैम स्कैम कम्युनिटी कमर्शियली डिसेप्टिव कंटेंट। मतलब अब कुछ गलत कर रहा है, ये सब बता रहा है यहाँ पे ईमेल पे। इफ यू वुड लाइक टू अपील सस्पेंशन प्लीज सबमिट द फॉर्म। अगर आप कुछ बोलना चाहता है कि आप चैनल को वापस लाना चाहता है तो यहाँ पे एक फॉर्म दे दिया, फॉर्म का लिंक दे दिया ईमेल पे, उस लिंक पे जाना है, उसके बाद एक गूगल का फॉर्म मिल जाएगा। तो बात ऐसा है कि मैंने तो कोई सर्वर वायलेशन नहीं किया, कोई भी वायलेशन वाला वीडियो नहीं लिया। ऐसा भी आपके साथ हो सकता है कि आपने कोई वायलेशन नहीं किया, बस वार्निंग एक बार लग गया, वह किसी का वीडियो उठा के डाल दिया और उसको कम्युनिटी गाइडलाइन लग गया। मतलब आपका गलती नहीं है, ऐसा होता है, आपका गलती नहीं है, आपको पता है, आप श्योर है आपका गलती नहीं है। उस टाइम पे आपका चैनल वापस आएगा 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 100% आएगा, क्योंकि इस टाइम पे गलती होता है YouTube की, YouTube की समझने में गलती होता है कि कौन सही जा रहा है कौन गलत जा रहा है। इसीलिए वो ऑटोमेटिक सिस्टम में डिटेक्ट कर लेता है कि आपका वीडियो कोई भी गलत हो रहा है। लोग अगर किसी का वीडियो पे मान लीजिए डिसलाइक ज़्यादा हो गया या फिर रिपोर्ट कर दिया या फ्लैग कर दिया, ठीक है, रिपोर्ट करके तब YouTube उसके 24 घंटे के अंदर उसको कम्युनिटी गाइडलाइन अंडर के हटा लेता है, तो उसके बाद चैनल भी गायब हो जाता है। तो उस टाइम पे आप चैनल को वापस कैसे ला सकते हैं, मैं चलिए आप दिखाते हैं। यहाँ पे इस फॉर्म पे क्लिक किया और यहाँ पे और एक स्टैप खुल गया, अनेबल टू एक्सेस गूगल प्रोडक्ट अपील फॉर्म खुल गया। तो अब अपील करना है, यहाँ पे क्या क्या भरना है, किस तरह से भरना है, आपको डिटेल्स में समझाते हैं। अनेबल टू एक्सेस ए गूगल प्रोडक्ट, आप देखते रहिए बारीकी से, एकदम धीरे धीरे देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा और आपका चैनल भी वापस आएगा। अगर कुछ चीज़ मिस कर दीजिएगा तो आपको चैनल वापस नहीं आएगा। इफ़ यू बिलीव द एक्सेस द गूगल प्रोडक्ट, अगर आप समझते हैं कि आपका चैनल में कोई गलत नहीं हुआ, आप कोई गलती नहीं किए, तब ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। तो मैंने एक ट्रिक लगाया कि यहाँ पे देखा कि चैनल का नाम जो पहले क्या मांग रहा है, चैनल का नेम यहाँ पे नहीं देना है, यहाँ पे योर फुल नेम, मतलब आपका जो फुल नेम होता है, मतलब एक पर्सन का जो फुल नेम होता है जिसकी चैनल है उसका नाम देना है। मान लीजिए यहाँ पे मेरा चैनल, तो मेरा नाम दे दिया शांतनु रॉय, यहाँ पे टाइप कर दूंगा, चलिए शांतनु रॉय, यहाँ पे टाइप कर दिया। तो अब क्या करें, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका ईमेल एड्रेस यूज टू साइन इन टू योर यूट्यूब चैनल।
जिस ईमेल से आप YouTube चैनल बनाया, जिस ईमेल से आप लॉगिन करते हैं चैनल पे, उसी ईमेल को यहाँ पे देना है। तो सिंपली मैंने जिस ईमेल से चैनल बनाया था उसी ईमेल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया दोबारा। अगर यहाँ पे दूसरा कोई ईमेल देना चाहते हैं कि उस ईमेल को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, तो दूसरा कोई ईमेल आप दे सकते हैं, या पर्सनल ईमेल आईडी भी नीचे वाला सेक्शन पे दे सकते हैं। तो अब क्या मांग रहा है? अब मांग रहा है URL ऑफ योर सस्पेंडेड यूट्यूब चैनल। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आपका यूट्यूब चैनल का, जब यूट्यूब चैनल डिएक्टिव हो जाता है, जब सस्पेंड हो जाता है, तब चैनल का लिंक कहाँ से मिलेगा? मेरा तो यहाँ पे दूसरे चैनल पे, मैंने यहाँ पे दूसरा चैनल पे मेरा दूसरा चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे कस्टम लिंक दे दिया था, जैसे कि YouTube/C/Technology। तो इस पे क्लिक, जब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें, चैनल डज नॉट एग्जिस्ट, एक्चुअली इस लिंक इनवैलिड हो गया। अगर हम इस चैनल का, मैंने चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखा था, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है अभी भी टेक्नोलॉजी, मैं इसे ओपन करूँगा, मैं इसे इस चैनल को यहाँ पे शो हो रहा है, और इसे मैं ओपन भी करूँगा। देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है, योर दिस अकाउंट हैज़ बीन टर्मिनेटेड ड्यू टू मल्टीपल सर्वर वायोलेशन। अब YouTube पॉलिसी अगेंस्ट स्पैम, डिसेप्टिव प्रैक्टिस, मिसलीडिंग कंटेंट वगैरह वगैरह, कितना कुछ बोल दिया यहाँ पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली इस चैनल का जो ऊपर में लिंक है, इस लिंक को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे यहाँ से लिंक मैं सिलेक्ट करूँगा, जैसे कि यहाँ पे फुल सिलेक्ट करके काट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ से सिलेक्ट किया, अब पेस्ट करना है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे वाला सेक्शन पे क्या लिखना है, जैसे कि नीचे वाला सेक्शन पे प्लीज ब्रीफ एक्सप्लेन व्हाई टू थिंक योर चैनल इज सस्पेंडेड। मतलब आपको यहाँ पे लिखना है कि किस किस वजह से आपका लगता है चैनल इज नॉट सस्पेंडेड, मतलब चैनल, आपका चैनल सस्पेंड हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपका चैनल सस्पेंड हुआ ये यूट्यूब का गलती है, इसको समझना है। ठीक है, तो आपको समझाना है कि यूट्यूब को, मेरा कोई गलती नहीं था, मेरा चैनल पे कोई भी ऐसा स्पैमिंग वीडियो नहीं था, कोई भी वल्गर कंटेंट नहीं था, ठीक है, कोई स्पैम कंटेंट नहीं था। तो अब आपको लिखना क्या है, उसको मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे वर्ड फाइल में लिख लिया, एक कंटेंट लिख लिया, जो जिसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, बाय सबमिटिंग योर रिक्वेस्ट यू आर एक्सप्लेन गिविंग परमिशन और रिव्यू टू व्यू योर प्राइवेट वीडियो कंटेंट। जब ये सबमिट करोगे तब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरा वीडियो देखो। ठीक है, आपका प्राइवेट वीडियो भी देखा जा सकता है, जब चैनल को एक्सेस करेगा, रिव्यू करेगा पार्टनर यूट्यूब, यूट्यूब वालों ने जब रिव्यू करेगा तब आपका प्राइवेट वीडियो भी देख सकता है। तो अब मैंने यहाँ पे वर्ड फाइल में मतलब बयान लिख लिया, जो कि एकदम बिल्कुल इस तरह से कि डियर यूट्यूब टीम, माई चैनल टेक्नोलॉजी की शुड नॉट हैव बीन टर्मिनेटेड। यहाँ पे आपका खुद का चैनल का नाम देना है, आई डी डू नॉट बिलीव माई वीडियो चैनल वायोलेट द कम्युनिटी गाइडलाइन, कैन यू प्लीज चेक माई चैनल अगेन टू सी इफ यू हैव रॉन्गली फ्लैग एड माई वीडियो। अगर कोई गलती से मेरा वीडियो फ्लैग किया तो इसी वजह से मेरा चैनल बंद भी हो सकता है। तो आप सिंपली इसको एकदम बारीकी से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, बस आपका थोड़ा चेंज करके नाम, डेटा नाम वगैरह, आपका चैनल का नाम, आपका नाम चेंज करके आप आसानी से इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इसे सबमिट करने से इतना श्योर हूँ मैं, चैनल वापस आ जाएगा। तो अब क्या करना है, यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं, सिंपली इसको कॉपी करूँगा, क्लिपबोर्ड में कॉपी कर लूँगा, और कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो चलिए अब इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सिर्फ और कुछ बाकी कुछ एडिट करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करके छोड़ देता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे एंटर मार देता हूँ, ताकि लाइन को थोड़ा गैप हो जाए, लाइन गैप होने के,
इसको समझ में आए ज़्यादा अच्छा से। यहाँ पे थैंक यू को भी थोड़ा इंटर मार के हटा देता हूँ इधर, तो हो गया। अब इसको सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जब आप सबमिट करिएगा तो इस तरह से एक मैसेज आ जाएगा, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस। तो उसके बाद आपको मेल में जाना है, मेल में आपको कंफर्म होना है कि कोई भी मेल आया कि नहीं। यूट्यूब की तरफ से यहाँ पे देख सकते हैं, यूट्यूब अकाउंट सपोर्ट पे एक मेल आ गया कि हेलो, वी हैव रिसीव योर अकाउंट अपील एंड विल गेट बैक एज सुन एज पॉसिबल, सिंसियरली यूट्यूब टीम। तो यूट्यूब टीम में एक मेल भेज दिया कि हम लोग आपका चैनल को रिव्यू करेंगे, उसके बाद आपको मेल करेंगे दोबारा अगर हम लोगों को पॉसिबल हो तो। दोबारा आपको मेल भी कर सकते हैं, मुझे मेल आया कुछ देर बाद, मतलब लगभग 30 मिनट के बाद मुझे और एक मेल आया, तो उसे भी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और एक मेल आ गया कि YouTube अकाउंट YouTube सपोर्ट से। तो यहाँ पे मेल में क्या बोले, हेलो थैंक यू फॉर अकाउंट अपील, वी हैव डिसाइडेड टू कीप योर अकाउंट सस्पेंडेड बेस्ड ऑन आवर कम्युनिटी गाइडलाइन एंड टर्म्स एंड सर्विस। मतलब ये डिसाइड कर रहा है कि हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आपका चैनल सस्पेंड रहे, ठीक है। मतलब मेरा चैनल वापस नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने गलती किया था, एक वायलेशन वाला वीडियो मैंने डाला था और उसके बाद वो हटा लिया था, एक बार कम्युनिटी गाइडलाइन के तरफ से हटा लिया था, फिर से मैंने उसे डाला, फिर डायरेक्ट सस्पेंड हो गया। पर अगर मेरा वीडियो पे कोई गलती नहीं होता तो चैनल ऑटोमेटिकली वापस आ जाता। तो आप ऐसा मत कीजिए, आप 2020 में अगर ऐसा गलती हो रहा है तो बिल्कुल ना करिए कभी। अगर एक चैनल में 5,000 की सब्सक्राइबर हो जाए, ठीक है, अच्छा सब्सक्राइबर, अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, तो उस टाइम पे ऐसा हो जाए तो बहुत ही दुख की बात है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से बहुत सारी चैनल भी गायब हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, पुराना चैनल में जो चैनल सस्पेंडेड चैनल है उसे डिलीट कर दूँगा गूगल प्रोडक्ट में जाके, और उसी वीडियो जो बैकअप बैकअप रहा है तो उसको मैं दिखाऊँगा इस चैनल पे। पुराना चैनल का जो बैकअप वीडियो है उसको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे चैनल रह जाए सस्पेंडेड फॉर्मेट में भी रह जाएगा तो मेरा ये चैनल में वो पुराना वीडियो रीयूज कंटेंट में आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से चैनल भी मैं डिलीट कर दूंगा। तो उसके बाद मैंने इस चैनल को बनाया, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो से आपका कोई भी हेल्प हुआ तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ पूछना है तो ज़रूर कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए, बाय बाय।